आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर बुक का लेसन नंबर 14 कर रहे हैं, जिसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले वाले वीडियो हमने किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके अंदर सीखा था कि तीन प्रकार के सेंटेंस रहते, फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव एंड थर्ड इज इंट्रोगेटिव। जैसा कि पास्ट है, जैसे पहले हमने किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, ये वाले वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम एज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। आई के साथ एम और ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज का, और जितने भी प्लूलर है जैसे यू, वी, यू, वी, दे और जितने भी प्लूलर सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं आर का, उसी क्रम आगे बढ़ते हैं जो कि है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट यानी होता है भूतकाल, जो समय बीत चुका है। वर्तमान, इससे पहले कहता हमने प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो उसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, इस प्रकार के सेंटेंस जिसके अंत में आता हो रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, ये वाले सेंटेंस जो है वो अपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होते हैं। और जब हम इनका इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का, सेम उसी तरह जिस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, आर एंड हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते थे, उसी प्रकार पास्ट टेंस में हम वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब आगे आगे देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बना रहे, सेम उसी प्रकार बनेंगे जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बनाए थे। बस एकमात्र फर्क आएगा, वो आएगा हेल्पिंग वर्ब में, उसमें हेल्पिंग वर्ब होते थे इज, आर है, और इसमें पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होगी आपके वाज और वर्ब। उसके अंदर भी मैन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता था, और इसके अंदर भी मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और साथ में आएगा आईएनजी। अब उसका रूल देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैं पहले भी किया था, कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या होता है प्रोनाउन, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर्ब की वर्ब आएगी, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लगाएंगे आईएनजी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पे हमेशा नाउन ही बनता है। चलो अब देखते हैं कि वाज और वर्ब का हम यूज कहां पर करेंगे। जैसे कि वी, यू और दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि यदि आपके प्रोनाउन वी हो, यू हो या दे हो, या फिर आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल हो, जैसे कि काउज, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर्ब। और उसके बाद जैसे कि आई, ही, शी, इट, यानी कि ये वाला प्रोनाउन आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर नाउन यदि सब्जेक्ट है आपका, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। तो अब तक हमने ये सीखा कि जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसके हिंदी वाक्यों की पहचान, जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब का यूज करते हैं, और वर्ब का यूज हम करते हैं वी, यू, दे या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम वर्ब का प्रयोग, बहुवचन जो सब्जेक्ट है उनके साथ वर्ब का यूज करते हैं, और आई, ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे हमने बनाया मैंने कि मोहन समाचार सुन रहा था, मोहन सब्जेक्ट है तो पहले आगे सब्जेक्ट मोहन, और मोहन जब सिंगुलर है तो हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब वाज, और सुनना यानी हियर, हियर वर्ब है, इसके साथ लगा दिया हमने आईएनजी, तो हियरिंग द न्यूज। सेकंड सेंटेंस, मैं कहानियां लिख रहा था, मैं सब्जेक्ट है, आई के साथ आई की हेल्पिंग वर्ब वाज, और लिखने को बोलते हैं राइट, राइट के साथ हमने लगा दिया वर्ब के साथ आईएनजी, राइटिंग स्टोरीज। अब हम इन्हीं का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, उसके बाद आएगा नेगेटिव, उसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है कि वह पसंद नहीं पूछ रही है, वह यानी लड़की है तो शी, और शी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, और वाज के बाद क्या आ जाएगा नॉट, और आस्किंग वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी, आस्किंग अ क्वेश्चन।
क्वेश्चन, यानी कि वह पसंद नहीं पूछ रही है। सेकंड सेंटेंस है, हम तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे थे। हम प्रोनाउन है तो लगाया वी, वी की वी जो कि कैसा है नाउन, जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब है वी वर। वी वर नॉट आस्किंग योर नेम, हम तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे थे। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के प्रारंभ में आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस बना कि क्या तुम फल खरीद रहे थे। अब जब ये क्या जो है वाचक शब्द जब वाक्य से पहले आता है तो वो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, लेकिन जब यही शब्द बीच में आ जाता है तो वो बनते हैं डब्ल्यूएच वर्ड वाले। अब तुम जो कि आपका सब्जेक्ट है यू यानी कि रूलर है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब, तो पहले लगाएंगे हम वर्ब यू, और वर्ब आपकी क्या है खरीदने का होता है बाय, तो बाय प्लस आईएनजी फ्रूट्स, वर यू बाइंग फ्रूट्स। और सेकंड सेंटेंस है क्या रवि फल खा रहा था। अब रवि है, रवि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी, वाज रवि ईटिंग फ्रूट्स। तो आज हमने पढ़ा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इससे पहले पढ़ा था हमने परसेंट कंटीन्यूअस टेंस। आशा करता हूं कि आपको दोनों टेंसेस समझ आए।